السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال तो कह दीजिए बेशक मैं करीब हूँ मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे तो इनको चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखे ताकि वो हिदायत पाए सो उससे बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ यकी मेरा रब करीब है कबूल करने वाला है अल्लाहमदातिद वनफी हन वकल हमदा वाति वर्द व मनफी हन वल्हमद अंत नूर उसमा वाति वल अर्द वल कल हमद अंत अल हक ववाद हक वलकाउ का हक व कऊलु हक والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت واليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر इल्ला अंता अल्लाह सब तारीफ तेरे ही लिए है तू आसमानों और जमीन और उनके दरमियान जो चीजें हैं उनको संभालने वाला है और तेरे ही लिए है सब तारीफ आसमानों और जमीन और उनके दरम्यान तमाम चीजों की बादशाही भी तेरे ही लिए है और तेरे ही लिए है सब तारीफ तू आसमानों और जमीन का नूर है और तेरे ही लिए है सब तारीफ तू हक है तेरा वादा हक है तेरी मुलाकात हक है तेरा कौल हक है जन्नत हक है आग हक है अम्बिया हक है और मोहम्मद सल्लाम हक है और क्यामत हक है अरे अल्लाह मैंने अपना आप तेरे सुपुर्द कर दिया और मैं तुझ पर ईमान लाया तुझी पर मैंने भरोसा किया तेरी ही तरफ मैं मुतवजे हुआ तेरी ही मदद से मैंने मुखालिफिन से झगड़ा किया और तुझी को मैंने हकम बनाया पस मेरे सब गुनाह बख्श दे जो मैंने पहले किए बाद में किए छुप कर किए जाहिरन किए तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है कोई इलाह नहीं मगर तू ही द्रुषि भी पढ़ लीजिए अल्लाह मुहमदिन व अला आल मुहमदिन कमा सलता अला इब्राहिमा व अला आल इब्राहिमीद उम्मीद अल्लाहबारिक्लादिन आल मुहमदिन कमाबारकता इब्राहिम व अला आल इब्राहिम अन्का हमीद उम मजीद आज हम इनशा आजवाज और औलाद के लिए दुआएं पढ़ेंगे إرشاد ہے. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان في نمبر 74, سے 76 الله سبحانه وتعالى كارشادها "والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما" और वो लोग जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें अपने अजवाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अतः फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना यही लोग हैं जो अपने सब्र के बदले जन्नत में बाला खाने दिए जाएंगे और वो उसमें दुआए खैर और सलाम से इस्तकबाल किए जाएंगे उसमें वो हमेशा रहने वाले होंगे कितना अच्छा ठिकाना और कितनी अच्छी क्याम औलाद के लिए दुआ मांगना अम्बिया और अहल ईमान का शेवा रहा है इब्राहिम ने दुआ की थी मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे रब रबली नेक औला फरमा अहले ईमान की दुआ अल्लाह ताला ने तुरान मजीद में जिक्र की है वो असलहली फी जुर्रियती और मेरी खातिर मेरी औलाद की इस्लाह कर दे जकरिया ने दुआ की थी फहबली मिल्ल कबलिया रब्बी रदिया मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा वारिस बने और आले याकूब का वारिस हो और ऐ मेरे रब उसे पसंद किया हुआ बना वो ऐसा हो जिससे तू राजी हो जाए वो पसंदीदा हो इब्राहिम ने दुआ की थी रब जालनी मुकीम सलाती व रब्बना व वब्बल दुआ ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज कायम रखने वाला बना ऐ रब मेरी ये दुआ कबूल फरमा अहले ईमान हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं सूरत अल फ्रकान की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है ये इबादुर रहमान से मुतिक आयत है के रहमान के खास बंदे रहमान के पसंदीदा बंदे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हब लनाजवा जीना वजना कुरत आयुन अल्लाह हमें अपनी अजवाज से और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा याद रखिये ये दुआ हर साहेब ईमान का शेवा है हर मोमिन को ये दुआ करते रहना चाहिए चाहे हमारी औलाद नेक ही क्यूँ न हो चाहे वो फरमाबरदार बरदार ही क्यूँ न हो चाहे वो कुरान की हाफिज ही क्यूँ न हो चाहे वो दीन की आलिम ही क्यूँ न हो फिर भी ये दुआ मांगते रहना चाहिए इसलिए की दिल रहमान की दो उंगलियों के दरम्यान होता है वो जैसे चाहे उन्हें फेर सकता है हमें नहीं मालूम कि आज अगर हमारी औलाद दीन पर है तो कल उसका मुस्तकबिल क्या होगा इसलिए कभी भी इस बारे में बेफिक्र नहीं होना चाहिए नेक से नेक तरीन औलाद भी हो तहजद गुजार भी हो सायम और कायम हो लेकिन फिर भी दुआ करते रहें। अगर आपकी औलाद नेक है तो आपकी दुआए उनकी नेक में इसका सबब बनेगी यानी वो मजीद नेक बनेगी उनके अंदर मजीद इस्तकामत आएगी और फिर इसी तरह उनका ईमान भी बढ़ेगा और अगर वो नेक नहीं है और अगर वो आपकी आंखों की ठंडक नहीं है तो इस दुआ से इनशाला वो आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे तो हम सबको भी ये दुआ करते रहना है कि अल्लाह हमारी औलाद को नेक बना और उनको मुत्तकीन का इमाम बना यानी तकवा वालों की सोहबत में हो और तकवा वालों में भी सबसे आगे हो, तकवा भी मजीद लीड करने वाले हों उनकी रहनुमाई करने वाले हों और फिर ये कि वो हमारी आंखों की ठंडक भी हो यानी जहाँ वो रब के पसंदीदा हो वहाँ वो हमारे लिए भी बायस सुकून हो इसके साथ साथ इंसान के लिए लाजिम है कि वो अपनी औलाद की नेक तरबियत भी करता रहे क्योंकि तरबियत की कोशिश करना जो है एक सबर आजमा काम है इसीलिए इस आयत के बाद जो आयत आती है उसमें सबर करने वालों की जजा जन्नत में गुरफा बताई गई है अरबों के हाँ घर के अंदर जितने भी कमरे होते हैं उनमें से सबसे बेहतरीन कमरा गुरफा कहलाता है यानी सबसे आला तरीन दर्जा तो जन्नत में भी जब गुरफा की बात है तो इससे मतलब कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है क्योंकि वो एक जगह पर आता ना कि गुरफात पर गुरु मबनिया होंगे तो इससे मुराद ये है कि जन्नत के आला तरीन मकाम अल्लाह ताला उनको अता करेगा जो सब्र के साथ तरबियत भी करते रहेंगे और सिर्फ अपनी तरबियत और अपनी कोशिश को काफी नहीं समझेंगे बल्कि अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम तरबियत में पूरी कोशिश कर लेते हैं लेकिन उसका असर औलाद में नजर नहीं आता औलाद आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरती आप जैसे उनको देखना चाहते हैं वैसे वो नजर नहीं आते क्या हम नू अलम की तरबियत पे कोई शक करेंगे उनके चार बेटे थे जिनमें से तीन बेहतरीन बेटे साबित हुए लेकिन एक बेटा अपने ही रास्ते पर चल निकला तो इसमें इंसान की कोशिश अगर हो और इंसान के बस में हो औलाद की असलाह तो वो सभी को सीधा करके रख दे लेकिन याद रखिए कोशिश हमारी दुआ हमारी और उसमें असर डालने वाला और उसको हमारी आंखों की ठंडक बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा रब है इसलिए मोमिन सिर्फ अपनी कोशिशों पर भरोसा नहीं करता बल्कि वो अपने रब को पुकारता रहता है और फिर आमतौर पर यह होता है कि हम इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा नहीं बनाते हाँ जब औलाद की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है जब वो हमारी कोई बात नहीं मानते या हमें नाराज करते हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि इनकी इलाह हो जाए और ये सीधे हो जाए और हमारी आंखों की ठंडक बन जाए याद रखिये ये सिर्फ औलाद के बिगाड़ के वक्त की दुआ नहीं है बल्कि हमेशा ये दुआ करते रहना चाहिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी की खास दुआओं में इस दुआ को शामिल कर लें अपनी नमाजों में सजदों में कबूलियत के औकात में अपनी औलाद के लिए दुआ करे क्योंकि औलाद इंसान की महबूब तरीन चीज़ों में से है जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमस से नवाजा है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में औलाद का क्या मकाम है यानी जब तक इंसान वालदेन नहीं बनता माँ बाप नहीं बनता वो इस बात को समझ ही नहीं सकता की औलाद क्या चीज़ होती है क्यूँकि इंसान जिंदगी में मुख्तलिफ चीजों से मोहब्बत करता है मुख्तलिफ चीजों के साथ इंसान का लगाव होता है मुख्तलिफ काम या मुख्तलिफ चीजें उसको पसंद आती है लेकिन जब एक औरत माँ बनती है एक मर्द जो है वो बाप बनता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी में जो तब्दीली आती है उसके बाद उसकी जिंदगी के अंदर जो खूबसूरती आती है उसके बाद उसकी जिंदगी का जो मेहबर और मरकज बन जाता है और उसकी तमाम तवज्जो का मरकज जो चीज़ बन जाती है और दिन रात की ये ड्यूटी ट्वेंटी फोर सेवन की होती है यानी बाकी चीजों से तो आप किसी वक्त अलग भी हो सकते हैं मगर ये वो रिश्ता होता है जिससे आप फिर मरते दम तक अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके जिस्म का एक हिस्सा होता है और अल्लाह ताला आपके दिल में हर चीज से ज्यादा उनके लिए मोहब्बत डाल देता है और उनकी खुशी आपको खुश करती है और उनका दुख आपको दुखी करता है इसलिए इंसान को हमेशा अपनी दुआओं में ये खास दुआ करते रहना चाहिए और कबूलियत के औकात में भी क्योंकि औलाद से मिलने वाली आंखों की ठंडक उसी वक्त होती है जब औलाद सीधे रस्ते पर होती है जब औलाद नेक होती है अच्छे काम कर रही होती है तो फिर ही माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है और इस दुआ के दूसरे हिस्से में अपने लिए दुआ है कि अल्लाह हमें मत्तकीन का इमाम बना यानी औलाद जो है हम उसके एक तरह से इमाम होते हैं जैसे हदीस में आता है ना कुल्लु व कुल्लु कुम मसूल उन ही। तो हर एक हम में से रायी है हर एक लीडर हर एक जिम्मेदार है तो अल्लाह ताला हमें माँ बाप की हैसियत में ऐसा रोल मॉडल बना कि हम मुत्तकी हों और हमारी औलाद भी मुत्तकी हो यानी हमारी औलाद में भी नेकी हो और फिर हम नेकी के साथ आगे उनकी रहनुमाई करने वाले हों और वैसे जनरल सेंस में देखें तो उसमें इंसान को एक हाइस्ट मकाम हासिल करने की दुआ यहाँ सिखाई गई है और वो क्या कि इंसान ऐसा इंसान हो कि जिसे देख कर लोग मुतकी बन जाएं यानी दूसरे लफ्जों में ये कि नेकियों में सबकत करने वाले हों नेकियों में आगे बढ़ने वाले हों ताकि दूसरे लोग भी हमें देख कर नेक बन जाए मसलन अगर एक मर्द अव्वल वक्त में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है तो उसके बच्चों पर उसका क्या इंप्रेशन होगा यानी अगर बाप जिम्मेदार है तो बच्चे भी देख कर कहेंगे कि हाँ हमें भी यही काम करना है क्योंकि बच्चे इब्तदाई जिंदगी में खासतौर पर बाप को माँ को बहुत फॉलो कर रहे होते हैं फिर इसी तरह अगर आपका पड़ोसी आपको देखता है आपके कुलीग्स आपको देखते हैं कि आपकी तवज्जो सबसे ज्यादा किस चीज की तरफ है तो वो भी आपकी देखा देखी नेकी के काम में आगे बढ़ते हैं आप सदका करते हैं और कोई आपको देख रहा है आपका मकसद नहीं दिखाना लेकिन किसी को नजर आ जाता है तो आपको देख कर वो भी शुरू कर देता है तो आप उसके क्या बन गए इमाम यानी आप लीड कर रहे हैं आप आगे हैं और वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए अपने लिए कि अल्लाह हमें नेकी के कामों का इमाम बना मुत्तकीन का इमाम बना तो यहाँ हम देखते हैं कि ये इबादुर रहमान की सिफात में से एक सिफत है और वो कहते हैं वल्ल यकूलूना रब्बना हब लना हब का लफ्ज जो है ये हिबा से है और हिबा कहते हैं बिला मुआवजा कोई चीज देना यार अब हमने कुछ किया नहीं लेकिन तू अपने पास से हमें अता फरमा अपनी खास रहमत से हमें ये अता फरमा मिन अजवाजिना अजवाज का लफ्ज जो है ये जौज से है जिन और हैवानात इन सब में नर और मादा पाया जाता है जो हर एक दूसरे का जौज कहलाता है यानी औरत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है अगर मर्द ये दुआ करेंगे तो अपनी बीवियों के लिए करेंगे कि हमारी बीवियां हमारे लिए आंखों की ठंडक हो और अगर औरतें ये दुआ करेंगी तो उनके अजवाज उनके खामन होंगे कि उनको हमारे लिए आंखों की ठंडक बना और जरूरियात से मुराद जरूरीत जो है सिर्फ औलाद नहीं होती औलाद की औलाद भी जरूरीत कहलाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं और वो किसी काबिल होती बड़ी होती फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं तो बात अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे प्यारे हो जाते हैं और अगर वो नेक बनते हैं तो हमें आंखों की ठंडक नसीब होती है और अगर बच्चों के बच्चों में कोई बिगाड़ आ जाए तो आप इक्वली दुख और तकलीफ में मुबतला हो जाते हैं तो इसलिए ये बहुत जामे दुआ है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपनी नस्लों के लिए दुआ कर रहे होते हैं तो रबना हबलाना मिन अजवाजना वजिना और जरूरियात में पुर्रता आयुन आंखों की ठंडक आपको मालूम है कि आंखें ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं आंखों से जब आंसू बहते हैं खुशी के आंसू बहें तो आंखें ठंडी होती हैं और अगर गम के आंसू हो तो आंखें गर्म हो जाती हैं तो आंखों की ठंडक का मतलब है खुशी मसरत और फिर ये कि आंखों की ठंडक हो तो इंसान पुरसकून रहता है नींद भी सुकून से आती है बच्चों तो की तरफ से अगर इंसान को बेफिक्री हो कि वो अच्छे काम कर रहे हैं अच्छी जगह पर हैं, सेफ हैंड्स में हैं, तो इंसान के बहुत से गम दुख परेशानियां खत्म हो जाती हैं, वो बेफिकर हो जाता है और फिर इसी तरह ये है कि जब आंखों की ठंडक होती है तो इंसान के दिल को भी करार मिलता है यानी आंखों की ठंडक सिर्फ आंखों तक नहीं रहती बल्कि आंखों से इंसान जो कुछ देखता है वो उसके दिल तक उतर जाता है इबन अब्बास कहते हैं इससे मुराद उनकी वो औलाद है जो अल्लाह की इताअत के काम करे ताकि दुनिया और आखरत में उन्हें आंखों की ठंडक नसीब हो यानी जो बच्चे नेक होते हैं वो माँ बाप के लिए उनकी जिंदगी में भी खुशी का बायस होते हैं और जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो वो उनके लिए सदका जारिया बन जाते हैं और फिर जब क्यामत के दिन उठेंगे और औलाद और वालिदेन को अला सुबह जमा कर देगा अपनी जन्नतों में तो ये वहाँ भी उनको देख देख कर खुश होते रहेंगे ऑब्वियसली जो बच्चे माँ बाप के साथ नहीं जा सकेंगे जो माँ बाप का दीन छोड़ गए या उनका रास्ता छोड़ गए या नमाज रोजा छोड़ गए तो फिर जाहिर है के वो बच्चे चाहे दुनिया में कितने भी कामयाब क्यों ना हो वो आखरत में साथ नहीं होंगे तो इसलिए जब ये दुआ करते हैं तो इसमें उनकी हिदायत और सलाह की दुआ भी आ जाती है यानी यहाँ इस दुआ से मुराद सिर्फ बच्चों का जहरी हुसन और खूबसूरती और उनकी दुनिया की कामयाबियां और दुनिया में उनका मालो दौलत कमाना ये भी ठीक है खुशी की बात होती है बच्चा खूबसूरत हो तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बच्चा अगर कामयाब हो कोई डिग्री कर ले तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं और जो माँ बाप सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं और जिनका मतलब और मकसद एम और गोल सिर्फ दुनिया कमाना होता है वो इन्ही बातों पर खुश होते रहते हैं लेकिन जो अहले ईमान होते हैं उनकी खुशी सिर्फ इस चीज में नहीं होती उनकी खुशी औलाद की नेकी में होती है कि हमारी औलाद नेक हो तो जब हम ये कहते हैं कि हमें आंखों की ठंडा कता कर तो इससे मतलब ये होता है कि अल्लाह वो तेरे इताद गुजार हो, फर्मा बरदार हो, खैर और भलाई के कामों में आगे जाने वाले हों अल्लाह की इबादत अच्छे तरीके से करने वाले हों गुनाहों और हराम कामों से बचने वाले हों और इमामा अल्लाह हमारे माताहत जितने भी लोग हैं वो सब मुत्त हों यानी एक तरफ औलाद के लिए दुआ और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो हमें फॉलो करते हैं या जिनके ऊपर हम जिम्मेदार बनाए गए हैं कि या अल्लाह उनके अंदर भी तकवा पैदा कर दे यानी हमारी औलाद तो नेक हो लेकिन आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं जिनके आप जिम्मेदार हैं मसलन अगर आप उस्ताद हैं और आपके शागिर्द हैं, या आप एक लीडर हैं कम्युनिटी लीडर हैं और आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं या इसी तरह और जो भी काम आप लीडरशिप रोल में करते हैं तो या जो लोग आपकी आपकी जो टीम है याला उसको भी मुतकी बना दे उसके अंदर भी अपनी मोहब्बत पैदा कर दे कितनी खूबसूरत दुआ है जाहिर है कि इंसान उन्हीं लोगों के साथ होता है या तो घर में होता है या बाहर काम पर होता है जब घर में होता है तो क्या होता है बीवी और बच्चों को देखकर इंसान अपनी आंखें ठंडी करता है उसको एक पुरसुकून माहौल मिलता है और जब वो घर से बाहर होता है अपनी जॉब पर होता है अपनी टीम के साथ होता है तो उनकी नेकी उनका अखलाक उनका तकवा देख देख कर उसकी आंखें ठंडी होती रहती हैं। सिंसियर और मुखलिस साथियों का मिल जाना ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है और फिर आप देखिए कि ये न सिर्फ उनके तकवा की दुआ है बल्कि जो खुद मुत्तकी बनने की ख्वाहिश रखता होगा वही चाहेगा कि उसके साथी और उसके माहौल के लोग और उसके आस पास के लोग तकवा वाले हों और ये माना भी इसका बनता है कि या अल्लाह तू हमें इतना तकवा तकबा कर कि हम मुत्तकीन के इमाम बन जाए नी उन मुत्तकी में से भी सबसे आगे हो तकवा में लिल मुस्तकी इमामा यानी हमें हिदायत का इमाम बना लोगों को हमसे हिदायत हासिल हो गुमराही का इमाम न बने क्योंकि अल्लाह सब ने खुशबक लोगों के बारे में फरमाया सूरत लम्बिया में व जाम अमत यह नब अम विम फैल अल खरात व इका माति व ईता अजकत व कानूलना आबिदीन और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और जक़ात अदा करने की वही भेजी और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे तो इससे क्या पता चलता है कि हमने उन्हें ऐसा पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे ये है मुत्तिन के इमाम कि जो अल्लाह की मर्जी और अल्लाह ही के दी हुई जो तालीम और हिदायत है उसके मुताबिक लोगों को गाइड करते हैं सिर्फ अपनी मनपसंद चीजों या अपनी तरफ से चीजें ईजाद नहीं करते और अहल शकावत बदबक लोगों के बारे में आता है वह अलमतार हमने उनको ऐसे इमाम बनाया जो लोगों को आग की तरफ बुलाते जैसे फिरा था कानून और इस तरह के लोग के लोग उनको फॉलो करते थे और वो खुद भी आग की तरफ जाने वाले जैसे फिरौन के बारे में आता यक दुम यो मल क़ियामती व औद नारियामत के दिन वो अपनी कौम को लीड कर रहा होगा और उन्हें आग में ले जाके गिराएगा तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खैर में अच्छा नमूना बने और वैसे भी आप देखें कि इंसान के इम्प्रेशन होते हैं इंसान जो कुछ करता है अच्छा करता है या बुरा करता है उसके आसार होते हैं है नहीं। आप अच्छा करते हैं और आपको देख के जितने लोग खामोशी से अच्छा कर लेते हैं वो सारे आपके आसार हो गए और उन सब की नेकी आपकी नेकी में जमा हो गई और आपको देखकर अगर कोई शख्स गलत ट्रेंड इख्तियार करता है तो उसकी कबाहत भी आपके पल्ले में पड़ गई तो मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए याद रखिए दो चीजें बड़ी अहम है एक है सबर और दूसरे है यकीन सबर और यकीन ये दो चीजें हों तो ये मकाम हासिल किया जा सकता है अल्लाह ताला फरमाते हैं वालना वा मिनहुम आम्मत यहादून बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकिनून और जब उन्होंने सब्र किया तो हमने उनमें से ऐसे इमाम बनाए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे याद रखिए एक बच्चे की तरबियत सबर आजमा काम होता है और उसके बारे में होपफुल रहना भी बड़ा जरूरी होता है क्योंकि अगर हम सबर का दामन छोड़ दें और ये कहे कि ये तो मानने वाले नहीं और ये हमारी सुनते नहीं ठीक है जो चाहे करें और उनको खुली चुट्टी दे दे तो वो तो बिगाड़ के आखिरी हद को पहुंच जाएंगे आप खुली चुट्टी दे देंगे नहीं आपको अच्छे अखलाक के साथ रवैये के साथ वक्ता फवक्ता उनकी इसलाह का काम करते रहना है और ये सबर आजमा काम है यानी बाजुकत आपका दिल अंदर से कट रहा होगा आप शदीद गुस्से का शिकार होंगे शदीद नफरत का शिकार होंगे उनके किसी गलत काम पर लेकिन आप उसका ऐसा इजहार नहीं करेंगे कि जिससे वो हमेशा के लिए आपको खैरबाद कह के चले जाए और आपसे कट जाए क्योंकि आप देखें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की नैगिंग से और माँ बाप की बद अखलाकी और बदसलूकी से फिर वो हमेशा के लिए उनको छोड़ ही जाते हैं तो ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं करना कि जिससे वो दूर हो बल्कि मोहब्बत के साथ यानी अगर उनके अंदर आप देखते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुरुस्त नहीं तो मोहब्बत के साथ और सब्र के साथ दुआएं करते करते उनकी इसलाह करते जाए हो सकता है आप अपनी जिंदगी में ना देखें वो दिन जिसको आप देखना चाहते हैं लेकिन मरने के बाद आपको उनकी दुआएं पहुंच रही होंगी, आपकी वो मेहनत जाया नहीं जाएगी तो लम्बा सबर हुर करना बहुत जरूरी है और फिर ये है कि उनकी तरफ से जितनी भी आजमाइशें आए उनकी तरफ से जो तकलीफे आपको पहुंचे क्योंकि जो भी माँ बाप बनते हैं वो सब जानते हैं कि औलाद की तरफ से बाजूकात आंखों की ठंडक से ज्यादा तकलीफे पहुंचती यानी वो आपका मकाम नहीं समझते जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बनते उनको समझ नहीं आती कि माँ बाप का मकाम क्या है और माँ बाप की तकलीफ क्या है लिहाजा ऐसे तमाम मवाके पर सब्र से काम लेना है और दूसरा ये कि यकीन रखना है बे यकी से दुआ नहीं करनी यकीन रखना है कि अल्लाह मेरी दुआएं सुनता है और वो जरूर सुनेगा लम अकुम भी दुआ एक अरब बे शकिया अरब में तुझसे दुआ मांग कर कभी बदबक हुआ ही नहीं तू दुआ का सुनने वाला है ऐसी दुआ करने वालों का अंजाम बहुत बेहतरीन है अल्लाह ताला फरमाते हैं: तलामातेला एक फता ऐसे नेक बंदे जिनके अंदर ये सिफात हो जो ये चाहते हों की उनकी औलाद अच्छी हो जाए उनके अजवाज उनकी बीवी या शौहर अच्छा हो जाए और फिर सब्र के साथ ये सब काम करें तो फिर उनका अंजाम भी बहुत अच्छा है और वो क्या है कि जन्नत का आला तरीन मकाम जैसा कि सूरत कबूत में आता है

यानी ऊपर जब होता है तो नीचे का सीन ज्यादा बेहतर नजर आता है हमेशा उनमें रहने वाले हैं दुनिया में आप अगर कोई ऐसी जगह पर किसी सी साइड पर किसी बेहतरीन सीनरी और ग्रीनरी के मकाम पर ऊंची किसी हाईएस्ट फ्लोर पर पेंट हाउस खरीद भी लें रह भी लें लेकिन आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पता नहीं कब दुनिया से चले जाना है या अगर रेंट पर रह रहे हैं तो पता नहीं कब यहाँ से निकलना पड़ जाए तो आप पूरी तरह इंजॉय नहीं कर सकते यानी इंसान जितना भी चाहे दुनिया में कम्पलीट इजमेंट है ही नहीं क्योंकि इसके साथ कई मसाइल और कई मुश्किल होती हैं लेकिन आखिरत में बुलंद तरीन मकाम में फरमाए उसमें हमेशा रहेंगे निकलने का उसको छोड़ने का उसके खराब होने का उसकी मेंटेनेंस का कोई फिक्र ही नहीं है सिर्फ एंजॉयमेंट ही है नाजरलामिल लेकिन ये किसको मिलता है जो अमल करते हैं जो काम करते हैं जो मेहनत करते हैं कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का कौन है वो अमल क्या दो अमल बताए गए अलाम या तब वो जो सबर करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं भरोसा करते हैं और उसके अलावा हदीस से भी इस मकाम को हासिल करने की बात हमें पता चलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती लोग अपने से बुलंद कमरे वाले को गुरफा वालों को अपने ऊपर ऐसे देखेंगे जैसे वो दुनिया में चमकदार गहरे सितारे को देखते हैं इतने बुलंद होंगे उनके मकाम तो आप सोचिए कभी आप जब जहाज पर विंडो सीट पर बैठे होते हैं तो आप जब नीचे देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर नजर आते हैं तो आप सोचिए कि जिसका घर वो सितारे की जगह पर हो हुँ? इतना बुलंद मकाम उसको मिल चुका हो तो फिर उसको क्या कुछ नजर नहीं आएगा नीचे परमाया कि जिस तरह वो दुनिया में चमकदार गहरे सितारे को देखते हैं जो आसमान के मशरकी और मकरबी किनारे में बहुत दूर होता है उनमें से एक दूसरे से अफजल होगा लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो अम्बिया के महल होंगे जिन्हें उनके सिवा और कोई ना पा सकेगा आपने फरमाया नहीं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर ईमान लाए और अम्बिया की तस्दीक की एक और रिवायत में आता है बेशक जन्नत में ऐसे गोरफ है जन्नती उनके बाहर वाले हिस्से को अंदर से देख सकेंगे और अंदर वाले हिस्से को बाहर से देख सकेंगे अल्लाह ने ये ऐसे शख्स के लिए तैयार किए हैं जो लोगों को खाना खिलाए और सलाम आम करे और रात को नमाज अदा करे जब लोग सो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमजान ऐसा महीना होता है कि जिसमें आप ये तीनों काम कर सकते हैं आपकी हिरस होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफ्तार कराया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया जाए यानी उनको खिलाया जाए और जब आप मस्जिद जाते हैं तो तरावी भी होती है और बहुत से लोग मिल जाते हैं तो सलाम पे सलाम हो रहा होता है या दीनी मजालिस का जोर होता है रमजान में जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करके सलाम के मौके आते हैं और ये सिर्फ रमजान ही के लिए नहीं है बल्कि सारा साल इंसान ऐसे कामों की रबत रखे ऐसे कामों से मोहब्बत करे और उनकी जन्नत में वो क्या होगा वही नफीहा व सलामा वहाँ उनको सलाम और दुआ दी जाएगी तहिया कहते हैं जिंदगी की दुआ देना यानी उनके इस्तेबाल के लिए ऐसे फरिश्ते मौजूद होंगे जो उन्हें सलाम भी करेंगे और सलामती की दुआएं भी देंगे जब कोई सलामती की दुआ आपको देता है तो कितना दिल खुश होता है तो वहां फरिश्ते उनको दुआएं दे रहे होंगे और फिर आपस में जब मुलाकातें होंगी जन्नतियों की तब भी सलाम दुआ हो रही होगी और ये सलामती उनको किस लिए मिली क्योंकि दुनिया में उन्होंने गुनाहों से सलामत जिंदगी बसर की खालिदी नफीहा हसनत मुस्तकर मुकामा हमेशा उसमें रहेंगे कितना खूबसूरत ठिकाना कितना अच्छा मकाम याद रखिए ये दुआ घरों की इसलाह की बुनियाद रखती है इसमें सिर्फ औलाद ही नहीं बल्कि अजवाज भी यानी शौहर और बीवी आज आप देखें कि हर दूसरे घर का यह मसला बना हुआ है कि घर में मियाँ बीवी की लड़ाइया जारी हैं। इससे एक दूसरे के अंदर एक बेचैनी उदासी परेशानी कामों में रुकावट और कितनी बेशुमार खराबियां और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी औलाद के लिए एक बेहतरीन नमूना होते हैं आप सिर्फ आपस में नहीं लड़ते बल्कि अपने बच्चों को एक बुरा नमूना पेश करके उनकी जिंदगी को भी जहन्नम बनाते हैं और फिर आप देखिए कि कोई और इंसान नाराज हो जाए तो उससे इंसान को इतनी तकलीफ नहीं होती हत अगर माँ बाप भी नाराज होते है ना तो इंसान इतनी परवाह नहीं करता लेकिन अगर शोहर बीवी से या बीवी शोहर से नाराज हो तो इंसान के गम की इंतहा होती है किसी चीज में दिल नहीं लगता परेशानी छा जाती है और हर चीज बेमजा हो जाती है चाहे खूबसूरत तरीन महल में आप रहते हो खूबसूरत तरीन लिबास आप पहनते हो बेहतरीन खाने आप खाते हो लेकिन अगर मियाँ बीवी का आपस में प्यार नहीं है आपस में इतफाक नहीं है आपस में एक दूसरे से खुश नहीं है तो जिंदगी की कोई खुशी खुशी नहीं होती तो इसलिए बहुत जरूरी है की इस दुआ से काम लिया जाए और जहाँ कहीं थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम है वो भी इनशाला हल हो जाएंगे और जहाँ बड़े मसाइल है और जहाँ मसाइल नहीं भी वहाँ भी ये दुआ पड़ी जाए ताकि घरों के अंदर एक खूबसूरती है आये अल्लाह ताला ने हमें मना तो नहीं किया कि दुनिया में हम मोहब्बत से जिंदगी ना गुजारें यानी हमें दुनिया में भी मोहब्बत चाहिए आपस की इतफाक और प्यार चाहिए एक मोहब्बत जो होती है वो इंसान की जरूरत होती है एक दूसरे की केयर करना एक जरूरत होती है हर इंसान की और अल्लाह सुभान व तआला ने जोड़े बनाए क्यों है कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह मिन आयात ही अन खल अखल मिन अजवा जन वजह इन नया तफक कर और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन से तुम्हारे जोड़े पैदा किए या बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी गौर विकर करने वालों के लिए इसमें कई निशानियाँ हैं तो अल्लाबहान तला ने शादी का मकसद क्या रखा है सुकून का हसूल और अगर शादी के बाद इंसान का पहला सुकून भी जाता रहे और सुकून ही लुट जाए और तकलीफ और परेशानी ही परेशानी हर वक्त रहे तो उसने क्या पाया तो शादी का मकसद ही बहुत हो गया ठीक है शादी के और भी कई मकासद हो सकते हैं लेकिन सबसे बुनियादी और अव्वल मकसद अल्लाह ताला ने क्या रखा है इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे से सुकून मवदत और रहमत एक दूसरे से मोहब्बत भी करें और एक दूसरे पर रहम भी करें एक दूसरे का केयर करें एक दूसरे का ख्याल रखे एक दूसरे की जरूरत को पहचाने सिर्फ खुद गर्जी न हो कि मेरी मर्जी मेरा मकसद मेरा मतलब और मैं जो चाहूँ सिर्फ वो हो मेरे पास नहीं ये भी देखना होगा कि दूसरा क्या चाहता है और जिन कपल्स को ये समझ आ जाती है कि दूसरे की ख्वाहिश क्या है और वो दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो लाजमन दूसरा भी फिर उनकी ख्वाहिश पूरी करता है और एक खुशगवार जिंदगी वजूद में आती है इसी तरह अल्लाह ने सूरत नहल में भी फरमाया और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफसों से बीबिया पैदा की और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते पैदा किये यानी अल्लाह ने उनसे तुम्हे औलाद दी और उसने तुम्हे पाकिजा चीजों से रिस्क अता किया क्या फिर भी वो बातिल पर ही मान लाते और अल्लाह की नियमत का इनकार करते हैं यानी अल्लाह तला की नियमतों की ना शुक्री करते हैं तो याद रखिए कि घरों की इसलाह का इसार अजवाज की इसलाह पर है आपस के इत्फाक पर है और औलाद की इसलाह से पहले अजवाज की इसलाह की बात है इब्ने अल्लाहान कहते हैं कि ये दुआ यानी अजवाज के बारे में शुरू होती है क्यूँके अगर अजवाज की असलाह हो तो औलाद की असलाह होती है यानी शोहर या बीवी की इसलाह हो जाए वो एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक हो तो औलाद खुद ब खुद आंखों की ठंडक होती चली जाएगी और आंखों की ठंडक से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि एक शौहर अपनी बीवी को ज्यादा खूबसूरत देखे या तंदरुस्त देखे बल्कि इस हाल में देखे कि वो अल्लाह की फर्मा बरदार हो क्योंकि एक हदीस में आता है कि दुनिया मता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है यानी दुनिया में जितनी भी नियमते हैं उनमें से सबसे बड़ी नेमत एक मर्द के लिए क्या है एक नेक बीवी है एक अच्छी बीवी है और नेकी सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं होती नेकी अच्छे अखलाक का नाम होती है एक और हदीस में आता है ना कि जब एक औरत पांच वक्त की नमाज पढ़े रमजान के रोजे रखे और अपने शोहर की ताद करे जब वो उसको देखे उसको खुश कर दे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए यानि इस ताल्लुक की बेहतरी और खूबसूरती का इतना ज्यादा एहतमाम किया गया है और फिर आप देखे मुतकीन का इमाम बनने के लिए इंसान को पहले घर में अच्छा इमाम बनने की जरूरत यानी घर से बाहर आप उसी सूरत में अच्छे इमाम बन सकते हैं जब आप घर के अंदर खूबसूरती लाते हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं देखिए, कुछ रिश्ते हमें अल्लाह की तरफ से बने बनाए मिल जाते हैं जैसे माँ बाप का रिश्ता है माँ बाप से आपको अनकंडीशनल लव मिलता है आप अच्छा करें आप बुरा करें आप उनको खुश करें आप उनको सताएं आप उनके करीब हो आप उनके दूर हो वो आपसे मोहब्बत करते ही रहेंगे आप जिंदा हो आप मर जाए हर सूरत में मोहब्बत करते हैं। आपने देखा उन माओ को जिनका कोई बच्चा फौत हो जाए तो वो जिंदा को भूल के उसी को याद करती रहती हैं है जो चला गया करीब हो तब भी मोहब्बत करते हैं। दूर हो तब भी मोहब्बत करते माँ बाप की मोहब्बत अनकंडिशनल है। लेकिन अजवाज की मोहब्बत कंडीशनल होती है अगर आप अच्छे अखलाक का मुजाह करेंगे अच्छे इंसान बनकर रहेंगे तो आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी लेकिन अगर आप अपने अखलाक को खो देंगे तो फिर उस मोहब्बत में कमी आनी शुरू हो जाएगी तो कुछ रिश्ते बने बनाए होते हैं और कुछ को बनाना पड़ता है उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है याद रखिए शादी जो है ये अंबिया का तरीका है नेक लोगों का तरीका है हमारे दीन का शार है निकाह जो है वो निस्फीमान है यानी हमारे दीन में क्रिश्चियनिटी की तरह ये नहीं है कि आप शादी नहीं करें आप नन बन जाएं आप फकीर बन जाएं और आप ज्यादा नेक हैं नहीं आप शादी करके ज्यादा नेकी कमा सकते हैं यानी इस्लाम जो है वो फितरी जरूरीत को मद्देनजर रखता है अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन आपसे पहले भी हमने कई रसूलों को भेजा और हमने उनके लिए बीवियां और औलाद बनाई यानी पैगम्बर भी बीवियों वाले और औलादों वाले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है बस जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझसे नहीं तुम लोग शादी किया करो यानी शादी करना भी एक नेकी का काम है इबादत है क्योंकि मैं तुम्हारी तादाद की बिना पर सबका उम्मतों से कसरत तादाद में मुकाबला करूंगा एक और रिवायत से पता चलता है कि शादी ना करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मुंह मोड़ने वाला है आपको याद होगा कि वो तीन सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एब्सेंस में हजरत आयशा के पास पूछने गए थे कि आपके अमाल क्या हैं तो जब उन्होंने बताया तो उनका वो तो अल्लाह के नबी हैं तो इसलिए एक ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा दूसरे ने कहा मैं कभी रात को नहीं सोऊंगा तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा तो नबी सल्लल्लाहु सलम को जब ये बातें पता चली तो आपने अल्लाह ताला की हमदो सना की और फरमाया इन लोगों को क्या हो गया है जिन्होंने ऐसी और ऐसी बातें कही हैं मैं रात में नवाफिल भी पढ़ता हूँ सोता भी हूँ नफली रोजा रखता हूँ छोड़ भी देता हूँ निकाह भी करता हूँ बस जो शख्स मेरे तरीके से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं है जो मेरे इस तरीके को पसंद न करे अल्लाह सुबहान तला ने खुद निकाह की रगबत दिलाई है वह अन के हल अया मिन कुम वसाल नाय कुम और अपने में ऐसी बेनिकाह मर्दों औरतों और और का निकाह कर दो और अपने गुलामों और अपनी लौंडियों में से जो नेक है उनका भी निकाह में देर क्यों करते हैं आमतौर पर कि अभी बच्चे कुछ कमाते नहीं है मैं अगर वो मोहताज होंगे अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह वुस्सत वाला और सब कुछ जानने वाला है और फिर शादी वैसे भी आप देखे निगाह की हिफाजत का जरिया है शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है दीन मुकम्मल करने का जरिया है हदीस में आता है जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है लिहाजा चाहिए कि बाकी आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरता रहे फिर आप देखिये की सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में जन्नत में भी पाकिजा जोड़े होंगे वलह अजवा जुम मुता पाकिजा बीविया होंगी अहल जन्नत से कहा जाएगा उद खुल जन्नत अन तुम व अजवाजुम तोहबरून तुम और तुम्हारी बीविया जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम खुश रखे जाओगे फरिश्ते फरिश्तेहले ईमान और उनकी बीवियों और बच्चों के लिए दुआएं करते हैं क्या कहते हैं रब व अदिल हम जन्नत आदन अल्लती व अत हम वनसलाम व अजवाजी हिम वियाम इन्ना का अंत लजीजुल हकीम ए हमारे रब और उन्हें हमेशगी के बागात में दाखिल कर जिनका तू ने उनसे वादा किया था और उनके आबाओ अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जो नेक हुए उनको भी जन्नत में दाखिल कर यानी ये फरिश्ते अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं और जन्नत में कोई भी कमारा नहीं होगा यानी जिन लोगों की दुनिया में शादी नहीं हुई उनको भी अल्लाह ताला जोड़े अता करेगा और जिनके जौहर पहले फौत हो गए या बीवी फौत हो गई या एक नेक था और एक जन्नत में नहीं गया दूसरा जानना में चला गया तो उनको भी अल्लाह ताला वहां जोड़े अता करेगा और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो तन्हाई का शिकार हो आइसोलेशन का शिकार हो क्योंकि इंसान की जिंदगी में अगर कंपेनियन होता है तो इंसान के लिए सुकून का बायस होता है और खासतौर पर अगर नेक बीवी हो कुरान मजीद में आता है फसा लिहातों का तान नेकते वो हैं जो शोहरों की फरमा बरदार हों उनकी बात मानने वाली हों और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में उनके हुकूक की हिफाजत करने वाली हूँ यानी अपनी जान और माल की हिफाजत करें जब शोहर ना भी मौजूद हो फिर हमें ये कहा गया है की पाकदाम औरत से शादी की जाए और औरत से शादी का मयार क्या रखा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत से चार चीजों की वजह से निकाह किया जाता है उसके माल और दौलत की वजह से या उसके हसब नसब की वजह से, या उसकी खूबसूरती की वजह से, या उसकी दीनदारी की वजह से तेरे हाथ खा हा लूद हो दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो क्योंकि अगर दीन वाली तुम्हारे घर में आएगी तो अल्लाह से डरने वाली होगी उसका अखलाक अच्छा होगा उसके अंदर बिगाड़ नहीं होगा तुम्हें उसको बार बार नमाज की पाबंदी के लिए नहीं कहना पड़ेगा उसको नेकी की तरफ लाने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और फिर आप देखे की एक माँ के ऊपर होता है इतना बच्चों की क्या तरबियत करती है क्यूँकी तरबियत औलाद बाप का हिस्सा कम होता है माँ का हिस्सा ज्यादा होता है अगर एक बच्चा अपनी माँ को नेक देखता है तो उसके अंदर एक नेकी की मोहब्बत पैदा होती है तो बहरहाल ये रिश्ते जो हैं, इनके लिए दुआ भी है और उसके साथ साथ इंतखाब भी अच्छा हो और फिर इनको बनाने के लिए कोशिश भी रहे अल्लाह ताला मर्दों को हुक्म देते हैं वह आशिरुन्ना बिल मारूफ औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो यानी उनके हुकूक अदा करो और एक दूसरे से मोहब्बत करना जो है ये भी दीन का हिस्सा है उकबा बिन आमिर कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उकमे फरमाते हुए सुना कि इस्लाम में जायज लहव में तीन चीजें आती हैं इंसान का अपनी बीवी के साथ दिल लगी में मसरूफ होना हंसी मजाक करना अपने घोड़े की देखभाल करना यानी उसके साथ टाइम स्पेंड करना और तीर अंदाजी करना बाजार देखा जाए तो ये टाइम वेस्टर भी हो सकते हैं लेकिन ये हमारे दिन में एक नेकी तस्वुर किए जाते हैं ये शुगल जो है या ये हॉबीज है ये पसंदीदा है फिर यह है कि शोहर और बीबी को एक दूसरे का हक अदा करना है क्योंकि ये हकूक अल्लाह ने एक दूसरे के जिम्मे रखे हैं और अल्लाह ताला के आमद के दिन पूछेगा बाज़ुकात एक बीवी ये कहती है की मैं शोहर का हक नहीं देती क्यूकी वो भी मेरी फलाम बात नहीं मानता या शोहर ये कहता है मैं बीवी का हक नहीं देता क्यूँकी मेरी वो फला बात नहीं मानती नहीं जब तक आप इस रिश्ते में है दोनों को एक दूसरे का हक देते रहना चाहिए और क्यों देना चाहिए ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए नहीं कि शोहर खुश होगा या बीवी खुश होगी इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है इसलिए मुझे ये काम करना है और जब आप रब को राजी करते हैं तो रब बंदों को भी आपसे राजी कर देता है फिर इसी तरह यह है कि एक दूसरे से अच्छे अखलाक के साथ पेश आना नबी सलम ने फरमाया ईमान के लिहाज से कामिल मोमेंट वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है और तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और एक रिवायत में बीवियों के लिए अच्छा है इसमें आप देखिए कि लोग घर से बाहर तो हर एक से बड़ा अच्छा अखलाक रखते हैं लेकिन घर में मुंह बना के रखते हैं तो ये अच्छे अखलाक अच्छा की अलामत अच्छा नहीं अल्लाह ताला ने जो क्राइटेरिया दिया है वो क्या है कि सबसे अच्छा वो है जिसका घर में अखलाक अच्छा है अच्छा फिर इसी तरह यह है कि बदजबानी नहीं करनी चाहिए फिर बीवी के जिम्मे है कि शोहर की बात मानने के अलावा शोहर के माल और औलाद की हिफाजत करने वाली हो उनको जाया ना करे साबिर शाकिर हो शौहर की जिम्मेदारी क्या है कि घर वालों पर खुशी से खर्च करे और नबी वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने ऊपर खर्च करता है ताकि वो उसके जरिए लोगों से मांगने से बचे वो उसके लिए सदका है यानी आप अपनी पर्सनल नीड्स के लिए स्पेंड करते हैं ये भी सदका है जो शख्स अपनी बीवी और बच्चों और अपने घर वालों पर खर्च करता है वो भी सदका शुमार हो जाता है यानी शौहर के नामा अमाल में वो नेकी लिखी जाती है की ये अपनी बीवी पर बच्चों पर खर्च करने वाला है फिर इसी तरह अच्छे गुजरान का उसूल क्या है की एक दूसरे की अच्छी आदतों पर नजर रखी जाए और बुरी आदतों को इग्नोर किया जाए अगर हमने ये इक्वेशन बदली कि बुरी आदतों को हर वक्त हाईलाइट किया तुम ये नहीं करती तुम ये नहीं करते तुम ये नहीं करती तुम ये नहीं करते तो फिर जिंदगी जहन्नम बन सकती है क्योंकि हर वक्त अगर इंसान इसी में कुड़ता रहे कि इस शख्स में क्या खराबी है क्या नहीं है क्या कौन सी बुराई है कौन सी गलत आदत है और उसी पर लड़ाई झगड़ा करता रहे तो जिंदगी में इंजॉयमेंट नहीं रहती बल्कि इसके बरक्स नबी सल्लाम ने ये फरमाया कोई मोमिन शख्स किसी मोमिन औरत से बुग्ज न रखे यानी बीवी से नफरत नहीं करनी चाहिए अगर औरत की एक आदत नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंद होगी तो क्या मतलब है की नापसंद बात को छोड़ो जो पसंदीदा है उस पर नजर रखो फिर इसी तरह यह है कि नेक औलाद के लिए भी कोशिश के अलावा और दुआएं भी हमें सिखाई गई है जैसे उनकी पैदाइश से पहले ही दुआ करना रबी हबली मेरे रब मुझे नेक औलादत आकर यानी अभी औलाद हुई नहीं लेकिन पहले से ही दुआ मांगना शुरू हो जाए इंसान कि अला मुझे नेक औलाद देना और फिर ये कि शादी के वक्त ऐसी औरत का इंतखा करना जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो क्यूकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया कि मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत ऐसी शादी करो यानी हमारे दीन में पसंदीदा चीज़ है फिर इसी तरह शादी से मिलने वाली जो नेक औलाद है उसका फायदा क्या है कि वो मरने के बाद वालदेन के लिए दुआएं करती है और माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाती है और ये वालदान की दर्जात की बुलंदी का जरिया बनता है जहाँ तक औलाद की तरबियत का ताल्लुक है तो औलाद के बारे में सवाल होगा यानि माँ बाप दोनों से पूछा जाएगा की उन्होंने उनकी तरबियत में क्या कोशिश की फिर इसी तरह औलाद का पहला हक क्या है हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने नुतफों के लिए अच्छी औरत का इंतखाब करो यानी नेक औरत का इंतखाब करो और दीन में हम पल्ला औरतों से निकाह करो और हम पल्ला मर्दों को अपनी बेटियों का निकाह करके दो फिर इसी तरह अच्छे बाप का इंतखाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ऐसा शख्स तुम्हारे पास निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम मुतमैन हो तो उससे अपनी बेटी का निकाह करो यानी औबाश अवारा लड़के हों तो फिर उनके साथ शादी नहीं करो क्यूँकी शादी के बाद क्या होगा आपकी बेटी को मुसीबत में डाल देगा फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना और जबरदस्त फसाद बर्पा होगा यानी फिर फसाद ही फसाद बिगाड़ ही बिगाड़ फिर इसी तरह बिलादत से पहले शैतान से हिफाजत की दुआ सिखाई गई की जब शौहर बीवी एक दूसरे से मिले तो दुआ पढ़े जैसे हजरत मरियम की वालदा ने दुआ पढ़ी थी वह इन्नी और ईद बिका तहा शैत रजी कितनी खूबसूरत दुआ है की अल्लाह में इस बच्ची को भी और इसकी आइंदा आने वाली जरूरीत को भी तेरी पनाह में देती हूँ शैतान से बचा कर फिर ये कि बच्चों को सबसे पहले तोहिद सिखानी चाहिए बचपन से ही बच्चों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए दीन की तालीम सीखने में रगबत दिलानी चाहिए अच्छे अखलाक की तालीम देनी चाहिए हर चीज के मैनर सिखाने चाहिए और फिर उसके लिए अगर सरजनिश भी करनी पड़े डांटना भी पड़े तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है अपने साथ नेक कामों में शामिल करना चाहिए जैसे इब्राहिम सलाम ने क्या किया था काबा की तामीर में किसको साथ शामिल किया था इस्माइल सलाम को फिर औलाद के दरमियान अदल करना चाहिए बच्चों से प्यार करना चाहिए कुछ माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते ऐसे वालदेन की मजम्मत की गई है फिर औलाद के बाल हो जाने के बाद उनकी शादी भी करनी चाहिए इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए इबन अब्बास कहा करते थे जिसको अल्लाह बेटा अदा करे उसको चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे उसकी अच्छी तरबियत करे जब वो बालिग हो तो उसकी शादी कर दे सईद बिन आस कहा करते थे अगर मैं अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे दू उसको हज करवा दू उसकी शादी कर दू तो मैंने उसका हक अदा कर दिया और मेरा जो उस पर हक है वो बाकी है नहीं, बच्चों के ऊपर हक फिर भी बाकी रहेंगे लेकिन माँ बाप ने अपना फर्ज पूरा कर दिया अगर ये तीन काम कर लिए कौन से कुरान की तालीम दे दी हज करवा दिया शादी कर दी उसके बाद वो अपने जिम्मेदार खुद जाए लेकिन बच्चों के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी मरते दम तक रहती है कतादा कहते हैं अगर लड़का बाले हो जाए और उसका बाप शादी ना करे बच्चे की और वो किसी बेहयाई का इतकाम करे यानी किसी बुराई में पड़ जाए तो बाप गुनागार होगा यानी वो लड़का तो होगा ही या लड़की तो होगी ही लेकिन माँ बाप भी गुनागार होंगे तो इसलिए शादी के मामले में इंसान कोशिश जरूर करे रिश्ता नहीं मिलता या कोई असबाब नहीं बन रहे तो वो अलग बात है लेकिन माँ बाप को इस बात की फिक्र होनी चाहिए क्योंकि देखा गया कि वक्त के साथ साथ ये फिक्र खत्म हो गई है और बाज माँ बाप ने तो ये चीज़ औलाद पर ही छोड़ दी है फिर इसी तरह ये भी खुशखबरी सुन लीजिए कि वालदेन की दुआएं अपनी औलाद के हक में कबूल होती है इसलिए बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं किया करें यानी खासतौर पर अगर बच्चे जो है वो दूर हो या आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतर रहे हो तो उनको अपनी दुआओं में याद रखें नबी सल्हेम ने फरमाया तीन किस्म के लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक को शुबा नहीं मजलूम की दुआ मुसाफिर की दुआ और वालिद की अपने औलाद के लिए दुआ तो इसलिए हमें दुआए करते रहना चाहिए और उन दुआओं में रबना हबलाना मिन अजवा जिनको आती है वो भी पढ़े रब्बना रबना हब ला मिन अजवाजना वुर्रियातना पुर्रता लिल वजाल इमामा अब इसमें आप देखिए कि आपने फोकस करना है अजवाज जर्रियात और फिर लिल लिलमुतना इमामा लिल मुस्तकी इमामा इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जिनकी अजवाज नहीं या जिनकी औलाद नहीं तो वो क्या है मुत्न के इमाम क्योंकि आप देखिए कि हजरत बहुत यंग एज में एटीन इयर्स की थी कि वो बेवा हो गई थी बहुत छोटी उम्र में लेकिन आपको मालूम है उनके शागि की तादाद कितनी ज्यादा है। एक तो कुछ डायरेक्ट शागिद थे ना और एक आज तक हम सब शागिद उनके उन्होंने जो अहादीस रिवायत की यानी वो उन साहबों में से थी जो मुखसरीन थे जिनकी अहादीस की तादाद हजारों में पहुंचती तो उन्होंने जो हदीस रिवायत की और लोगों ने जो पढ़ी और आगे पढ़ाई और सिखाई वो सब उनके शागिद बनते हैं। तो ऐसे लोग जो वो इल्म हासिल करते हैं और वो तकवा हासिल करते हैं तो ये भी एक लीडरशिप होती है हो सकता है कि ये लेक्चर कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे हों कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई या शादी हुई तो शौहर नहीं है शौहर चला गया दुनिया से या डिवोर्स हो गई या फिर ये शादी हुई शहर साथ है लेकिन बच्चे नहीं हुए या ये कि बच्चे हुए और फौत हो गए यानी कई सैनारियो है ना कई सिचुएशन बन जाती हैं तो जो भी कोई सिचुएशन हो उसमें दुआ का ये पहला हिस्सा पढ़ने के साथ साथ दूसरा हिस्सा आपके लिए एक जबरदस्त तसली का जरिया है कि अगर हमारे पास दुनिया की ये नियमते नहीं है ये दुनिया की नियमते है ना अगर अल्लाह ताला ने ले लिया तो अल्लाह तला इसका इवज भी बहुत जबरदस्त देगा तो अल्लाह ने जो दूसरी अपरचुनिटीज और जो दूसरे माके रखे हैं उनसे हमें फायदा उठाना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए और ऐसे कामों में अपना वक्त लगाना चाहिए और खासतौर पर मैं उन खातन से कहूंगी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं जो अपने बच्चों से फारिग हो चुकी है और अल्लाह तला ने उनको सेहत जैसी नियमत अता कर रखी है उनको वक्त दे रखा है उनको माल दे रखा है वो अपने वक्त को कम्युनिटी सर्विस में जरूर लगाए यानी अगर तालीम है उनके पास तो दूसरों को तालीम दें और अगर उनके पास कोई स्किल्स हैं तो वो दूसरों को स्किल्स सिखाएं और अगर किसी भी किस्म का कोई वॉलंटियर वर्क वो कर सकते हैं तो अपने आप को खुद ऑफर करें तो हो सकता है कि जहां पर आप ऑफर करें वहां आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद हो और आप नेक काम में हिस्सा ले लें और इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ फारिग लोगों का काम होता है कि वो दीन की खिदमत करते रहें साहब कराम ने अपनी अजवाज औलाद के साथ भी ये काम किया है याद रखिए जिस तरह हम अपनी दुनिया को बनाने के लिए अपनी औलाद को संवारने के लिए हम कोशिश करते हैं इसी तरह हमें दूसरों की औलाद और दूसरे लोगों की भी फिक्र होनी चाहिए उनके लिए भी खैर खाई करनी चाहिए और मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि मैंने शायद अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों की फिक्र की है और अल्लाह ताला ने वो खैर वापस लौटा दी यानी अपनी औलाद को शायद इतना वक्त जितना एक आम एवरेज माँ बाप देते हैं उतना शायद ना दे सकी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हमदल्ला तआला ने वो खैर कबूल की और मेरे बच्चों को भी हिदायत दे दी तो ऐसा नहीं होता कि जब हम खैर बांटते हैं तो खुद खैर से महरूम हो जाते हैं कोई इम्तिहान आजमाइश तो हो सकती है हमेशा नू असलम की मिसाल याद रखिये कि वो एक बाप थे जिन्होंने सारे बच्चों की इक्वली तरबीय की लेकिन एक बच्चा नहीं माना बाज ऐसा होता है कि आप अपना तन मन धन लगा देते हैं लेकिन कोई एक बच्चा नहीं मानता तो फिर अपने आप को गिल्ट में न रखें अपने आप को हर वक्त परेशानी में न रखें कि मैंने कमी की है मेरी तरफ से कोई कोताही है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता शैतान उसको बस डालता है कि देखा ना तुम दूसरों की फिक्र करती रही और तुम्हारी औलाद बिगड़ गई नहीं अब हम क्या नूअ सलाम को ये कहेंगे कि वो दिन और रात आप सूरत नू पढ़े दिन में भी तबलीग की रात में भी की चुपके से भी की ओपनली भी की दिन और रात ये सारे काम किए तो कोई उनको कहे आप लगे रहे ना लोगों में इसलिए आपका ये बच्चा बिगड़ गया क्या हम ये कह सकते हैं ना नवजिला हरगिज नहीं कह सकते इस कभी भी नहीं कह सकते माज अल्लाह क्यूके हम किसी पैगम्बर के बारे में ये सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए कोई कोताही की लेकिन ये अल्लाह की है ना और तकदीर का हम पड़ चुके हैं तकदीर में होता है ठीक है एक नाकाबले बर्दाश्त बात होती लेकिन फिर भी मैंने अपने उस्ताद से बहुत पहले एक बात सुनी तो उसको मैंने पल्ले बांध लिया उन्होंने कहा था तफसीर की क्लास में तफसीर पढ़ाते थे, थे मास्टर्स में उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं ना आपका बच्चा खाए क्योंकि माए बड़ी परेशान रहती है बच्चा खाता नहीं है हु? आप दूसरों के बच्चों को खिलाएं आपका बच्चा दूध नहीं पीता आप बच्चों में दूध बांटें आपका बच्चा सीखता नहीं तालीम भी आ सकता आप और बच्चों को पढ़ाएं जो खैर आप दूसरों को देंगे वो खैर आप पर वापस आएगी इन अहसन तुम अहसन तुम लिया नहीं हो सकता कि आप दूसरों के लिए भला करें और अल्लाह ताला आपको छोड़ दे इन की मदद करना अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है और साबित कदमी का दीन पर साबित कदमी का क्योंकि आप देखिए अगर आप पावर हाउस से अपने घर की बिजली का कनेक्शन काट देते हैं तो क्या होता है आपका घर अंधेरे में चला जाता है कुरान से कुरान वालों से कुरान की मजालिस से अगर आप अपने आप को ये कह के पीछे कर लेते हैं कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ तो ये एक धोखा होगा क्योंकि ऐसे बच्चों की तरबीय नहीं होती अगर आपका दिल खाली है और आपके अंदर ईमान भरा हुआ नहीं है अगर आपके अंदर यकीन नहीं है अगर आप एक अच्छे रोल मॉडल नहीं है और ये सारी चीजें आपको कुरान से जुड़े रहने से मिलती है कुरान वालों से जुड़े रहने से मिलती है तो फिर आप अपने बच्चे की तरबीय खाली खुली कहाँ से करेंगे आप चौबीस घंटे भी अपने बच्चे पे एनक लगा के रखे ना की मैं इस पे तवज्जो कर रही हूँ हिदायत फिर भी अल्लाह ने देनी लेकिन जब आप अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह इनशाला आपके बच्चों को जरूर हिदायत देगा वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा और अगर फिर भी उनको हिदायत नहीं मिलती तो मालूम नहीं अल्लाह की क्या हिम्मत है जो हमें नहीं पता हमें नहीं पता हो सकता है किसी एक बच्चे की तकलीफ हमारे अल्लाह के साथ जुड़े रहने का जरिया बन जाए बाजू का ऐसा होता है ना कि सारी नेम तो मिली होती सारे बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग होते है एक बच्चा पढ़ के नहीं देता मेरी अपनी एक रिश्तेदार है माशाला छह बच्चे उनके पांच डॉक्टर है एक नहीं बनी तो अब अल्लाह की मर्जी ना बाप भी डॉक्टर सारा घराना डॉक्टर का लेकिन जो नहीं बनी अब वो सारा वक्त अपने आप को कोसे शायद मैंने इसकी तरबियत में कोई कमी की शायद मैंने इसको सही से नहीं पढ़ा नहीं भाई उसकी नहीं थी दिलचस्पी हर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता हर कोई दीन का आलिम नहीं बनना चाहता हर कोई वो काम नहीं करना चाहता जो आप उसके लिए सजेस्ट कर रहे हैं उसकी अपनी एक सोच है उसकी अपनी एक राय है तो इसमें बच्चों को मार्जिन भी दे उसमे थोड़ी सी आजादी भी दे और उनके लिए खूब दुआएं करें क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है ना कोई आजमाइश आ जाती है तो फिर क्या होता है हम अल्लाह से और करीब हो जाते हैं बाजुकत पते क्या होता है हम नमाज के साथ चंद नवाफिल पढ़ लेना एक्स्ट्रा और चंद नफली रोजे रख लेना और हज के साथ उमरा भी कर ले फिर हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं हम बहुत नेक हो गए हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए है लेकिन होता क्या है कि अभी कमी होती है कहीं और हमें पता नहीं होता इतने में अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है फिर जो हमारी दुआओं में रोना होता है और फिर जो हमारी दुआओं में इखलास होता है और फिर जो हमारी दुआओं में इसरार होता है और तकरार होता है और हमारा तड़पना होता है वो इससे पहले नमाज रोजा हज जक़ात किसी चीज में नहीं था हम आजमाइश के साथ जितने अल्लाह की तरफ जाते हैं नेमतों के साथ उतने नहीं जाते ये मानी हुई बात है हम सबका तजुर्बा है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करें और उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहे मुत्त ना इमामा अल्लाह हमें मुत्तकी साथी दे मुत्तकी दोस्त दे मुत्तकी उठने बैठने वाले दे ऐसे लोगों में उठे बैठे मिले जुले और उनकी रहनुमाई करें कि जो तकवा वाले हों ताकि हमारे तकवा में भी इजाफा होता चला जाए क्योंकि इंसान अपने माहौल की पैदावार होता है जिस तरह के दोस्तों में जिस तरह के लोगों में वो रहता है वैसी ही सोच उसकी बनना शुरू हो जाती है और फिर इब्राहिम की दुआ दुआबी की रबी हबली मुनसि अल्लाह अपने पास से ही साले बच्चा दे दे मैं तो नेक बनाने से रहा और ये इब्राहिम मांग रहे हैं। हु? और अल्लाह सब ने फिर उनको कैसी नेक औलाद अता की इसमाही कितने फर्मा बरदार थे इसहाक सलाम कितने गुलाम अलीम थे इल्म वाले और उनकी नस्ल में भी इल्म आया और फिर आप देखिए इब्राहिम ने यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा की रबी हबली मुनस्साही बल्कि उससे पहले एक बात कही थी वो क्या थी साफात में वकौल इनकी जाहिब नीला रबी सया दीन मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ मैं रब का बन रहा हूँ वो मुझे हिदायत देगा फिर मांगा अल्लाह मुझे नेक औलाद भी दे हम क्या करते हैं हम खुद तो नेक बनते नहीं इन्नी जाहिब नीला रब्बी करते नहीं न नेकी की तरफ जाते हैं ना नेक काम करते हैं ना दीन का काम करते हैं और फिर हम कहते हैं अल्लाह मुझे नेक औलाद दे मेरी औलाद को नेक बना दो ये कैसे होगा पहले आप खुद तो बने पहले आप खुद तो वो काम करें कि जो आपको करके दिखाने हैं बच्चे को कि ऐसे नेक काम करते हैं और फिर आप देखें कि इब्न जरी तबरी कहते हैं कि इब्राहिम सलाम की दुआ ये थी कि अल्लाह मुझे अपनी तरफ से ऐसा बेटा अता कर जो नेक लोगों में से हो ऐसे लोग जो तेरी इतात करते हैं तेरी नाफरमानी नहीं करते जमीन में इसलाह के काम करते हैं और जमीन में फसाद बर्पा नहीं करते यानी मुझे ऐसी औलाद चाहिए इससे ये बात भी पता चलती है कि इंसान खा कितना ही कदरो मंजिलत वाला हो खलील ही क्यों ना हो फिर भी वो अल्लाह का मोहताज है फिर भी वो अल्लाह तला से दुआएं करे रबी इस्लाह की अपनी एक अहमियत है यानी सिर्फ औलाद नहीं मांगी बल्कि नेक औलाद मांगी क्योंकि सिर्फ औलाद आपके लिए मुसीबत का सबब हो सकती है और नेक औलाद आपके लिए आंखों की ठंडक का सबब होगी और फिर ये की इब्राहिम की दुआओं में उम्मत मुस्लिम सुबह अल्लाह इतनी बड़ी दुआ मांग ली यानी सिर्फ नेक औलाद नहीं बल्कि हमारी जरूरियालाद की औला औलाद की औला औलाद की इसमें एक उम्मत मुस्लिम पैदा कर दे, कितने खूबसूरत अल्फाज का चुनाव था पहले हबली कहा अल्लाह तोहफा चाहिए तेरी तरफ से हदिया चाहिए हिब्बा चाहिए मैंने कुछ नहीं किया मुझे तेरी तरफ से इनायत चाहिए कि तू मुझे ऐसा बेटा अदा कर दे कि जिसके अंदर फितरत में अंदर खैर हो अंदर नेकी हो और बड़ा हो के वो अच्छे काम करे और फिर सिर्फ ये नहीं मिन अल्लाह तो हमारी औलाद में से ऐसे लोग पैदा कर जो तेरे फर्मा बरदार मुस्लिम मतलक हो और फिर आप देखिए कि किस तरह अल्लाह सुबहान तला ने इब्राहिम सलाम को नवाजा सुबहान अल्लाह अबुल अम्बिया है अम्बिया के बाप है और फिर आप देखिए कि जितने भी इलाहामी मजाहब है या जूडिज्म है, है इस्लाम है इन सब के वही लीडर हैं अल्लाह ताला ने कहा था ना इनकाल से इमामा या इब्राहिम मैं तुम्हे तो लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ और किस तरह फिर अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया फिर इसी तरह अगर औलाद ना होती हो तो फिर ये दुआ करते हैं है रबनी फरदन व अंत खैरुल उल ऐ मेरे रब तू मुझे अकेला ना छोड़ तू ही सब वारिसों में से बेहतर वारिस है ये जकरिया की दुआ थी रबनी तो ने दुआ कबूल कर ली पसत ना लहू वबा हब ना लहू याहिया हिबा है यहाँ भी पर हमने उसको याहिया अता किया वह ना लहू जऊजा और उसकी बीवी की असलाह कर दी क्यूँ इन नानू यूसारे न फिल खैरात क्यूँकि वो नेकियों में सबकत करते थे नेकियों में दौड़ दौड़ के जाते थे वो यद ऊ ना रहबम व रहबा और वो हमें रगबत और रहबत उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते थे वह कहन लना खाशीन ये तीन चीजें दुआओं की कबूलियत का जरिया है नेकी के कामों में तेज जाना जल्दी करना सुस्ती न करना यू सारे और ये लफ्ज़ के इन अम्बिया की दुआए क्यूँ कबूल हुई क्यूँकी वो नेकी के कामों में तेजी दिखाते थे दूसरे दुआए करते थे वो यद ऊ ना रम व राहबा यानी कोशिश भी करनी है भागना भी अल्लाह की तरफ और दूसरे दुआएं करनी है और तीसरे तकबर में नहीं आना वह कहनाशीन वो हमारे लिए खुशु करने वाले थे इमने हम कहते हैं नेक अमाल करना और उसकी तरफ सबकत ले जाना दुआ की कबूलियत के बड़े असबाब में से है इसीलिए अल्लाह तला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली फिर एक और दुआ है जो हजरत ने ही मांगी रबी हबली मिल्द्रीतम तयबा इन दुआ रब मुझे अपनी तरफ से नेक और पाकिजा औलादरमा बेशक तू ही दुआए सुनने वाला है यानी हिब्बा वो होता है ना जो बगैर मुआवजे के खुश दिली और एहसान के तौर पर किसी को कोई चीज दे दी जाए यानी एक हिब्बा होता है कि हदिया होता है एक सदका होता है तो सदका वो होता है जिससे आखिरत का अजर स्वाब चाहिए और हदिया वो होता है जिससे तोहफा देने वाले और जिसको तोहफा दिया गया उसके दरमियान मोहब्बत पैदा करना मकसूद होता है यानी हदिया मोहब्बत के लिए होता है और हिबा जो है वो किसी मकसद के लिए होता है हिबा वो चीज होती है कि जिसको हिबा की जाती है सिर्फ उसका फायदा मतलूब होता है ठीक है मतलब ये था कि अल्लाह मुझे अपने पास ऐसा हदिया दे जो बगैर किसी अबस के मेरी बगैर किसी कोशिश और मेहनत के हो तो वस्तु आप अता कर दे दुन का अपने पास से दे दे क्योंकि तेरे पास तो सब कुछ है और फिर दे जो अपने अकवाल और अफाल में पाक हो जिस्मों में पाक हो इन्ना का समय दुआ आप तो दुआएं सुनने वाले ये मोहब्बत और रहमत को खेच लाने वाली बात है तो दुआ करना जो है अंबिया की सुन्नत है और फिर अल्लाह की जगह या अल्लाह कहने की बजाय रब भी कहा गया है रब को वसीला बनाकर दुआ की गई है इसीलिए आप देखें अम्बिया की सारी दुआएं रबना से शुरू होती है या रब्बी से शुरू होती है और फिर सिर्फ औलाद नहीं नेक औलाद और फिर औलाद को नेक बनाने के असबाब भी और फिर ये यकीन के दुआ तकदीर को बदल देती है हजरत हजरतिया इंतहाई बूढ़े थे लेकिन उन्होंने यकीन से दुआ की और फिर इब्राहिम की दुआ रबी जालनी मुकीम असलाती वी रबना व तकबल दुआ ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज कायम रखने वाला बना ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल फरमा मुझे और मेरे वाले और तमाम मोमिनों को उस दिन माफ फरमा दे जब हिसाब लिया जाएगा रब बी अन अश्कुर अनता अन अमता अल अला औलाद के लिए दुआ है मेरी की इसलाह कर दे मेरी जरूरत को नेक बना देरी दे। तु तरह वापस पलटता हूँ तोबा करता हूँ वह इन्नी मिनल मुसलिमीन और बिला शुबा मैं फर्मा बरदार हूँ और रबना वज अल्ला मुस्लिम वियत ना उमतमस्लिमत व अना मनासी का ना व तुब अलइना इन्न का रहीम ए हमारे रब हम दोनों को यानी इब्राहिम और इसमाइल ने मांगी थी दुआ अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से एक जमात पैदा कर जो तेरी फर्मा बरदार हो और हमें अपनी इबादत के तरीके बतला और हमारी तोबा कबूल फरमा बेशक तो बड़ा तोबा कबूल करने वाला नहाय रहम करने वाला है और फिर आप देखिए कि किस तरह अल्लाह सुबहान ने वो दुआ कबूल की और मोहम्मद सलम उनकी औलाद में पैदा हुए और फिर उनसे उम्मत मुस्लिम पैदा हुई तो ये दुआ जो है उसकी कबूलियत में बहुत अरसा लगा था लेकिन कबूल हुई तो इसलिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए और इसी तरह ये दुआ जो मसनून दुआ है अल्लाहनी कबलब

और ऐसी औलाद से जो मुझ पे आका बन बैठे यानी मुझ पे अपना हुक्म चलाए ऐसे माल से जो मेरे लिए अजाब का बास बन जाए यानी कई दफा माल इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है ऐसे चालबाज दोस्त से जिसकी आंखें मुझे देख रही हो और जिसका दिल मेरी निगरानी करता है वो मेरे ऐबों को ही देखता रहे और मेरे हालात का जायजा लेता रहे और वो मेरी हर नेकी को दबाता जाए और बुराई को नशर करे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना आपके आसपास कि जो आपको अपना दोस्त बताते हैं यानी आपके लिए अपनी दोस्ती जाहिर करते हैं लेकिन वो आपकी हर नेमत से जलते हैं और आपकी हर खराबी से खुश होते हैं और आपके अंदर कोई कमी बेशी हो तो जाके दूसरों में नशर कर देते हैं तो यहाँ पांच चीजों की बुराई से बचने की दुआ की गई है बुरा पड़ोसी बदखलाक मर्द या औरत नाफरमान औलाद अजाब बनने वाला माल और चालबाज दोस्त तो बहरहाल ये था आज का हमारा प्रोग्राम और आज इतने इतफाक की बात है ये हमारा सातवां प्रोग्राम था और आज सात अप्रैल है और आज ही मेरी शादी हुई थी तो बगैर किसी प्लानिंग के ये सारी चीजें इत्तेफाक से जमा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि